लो जी, खीर पूरी प्रॉपर एकदम तैयार हो चुकी है। और ये लो जी, आप देख लो गोश्त, देख रहे हैं आप, ये नारियल गोश्त है, बॉम्ब, अंगूर, आलू सब। इनको वीडियो में दिखाता रहूँगा, कौन काम चोरी करेगा दिखाता रहूँगा मैं। ये नली देख रहे हैं आप, ये देखें आप, पूरी रेसिपी दिखाऊंगा आपको आज, क्योंकि छोटा सा फंक्शन है। अरे भाई हमारे दिख रहा है, इधर देखो जी, ये देखो जी तैयार, देख लें आप पूरा। अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज जो फंक्शन है ना, ये अपने घर का फंक्शन है, हमारे दो भतीजे हैं, उनका अकीका है। तो हमदर्द वाली गली में हूँ, लाल कुआं। तो यहाँ पर क्या एक छोटा सा फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर बकरे का कोरमा, बिरयानी और नहारी और खीर, सीख कबाब, चाय, कॉफ़ी, जो जो होगा सब कुछ दिखाऊंगा आपको, मज़ा आने वाला है। बाकी इसके अंदर आपको क्या है, पूरी रेसिपी दिखाऊंगा आपको मैं, मटन कोरमे की भी और नहारी की भी। यहाँ पर देख लो खीर की तैयारी हो रही है, ये देखो। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई साहब प्याज लाल हो रही है, देख लो आप। तो छोटा सा एक फंक्शन है ये, अपना अकीके का फंक्शन है। तो इसके अंदर अभी भाई यहाँ पर देख लो, ये मटन आ चुका है। मटन की क्या बनेगा खालिद भाई? ये कोरमा बनेगा भाई। मटन की देखो, मैं देख लो कि कोरमा बनेगा। और ये नली आ चुकी है भाई, थोड़ी बहुत रेडीमेड। ये खीर देख लो आप, यह आधी बन के स्टार्ट हो चुकी है। और इधर भाई मुर्गे की बिरयानी है, मुर्गा को अभी धोया जा रहा है बढ़िया करके। बाकी भाई अभी क्या है, कोरमा और बिरयानी भी रेडी होने वाली है, पूरी रेसिपी दिखाऊंगा आपको आज, क्योंकि छोटा सा फंक्शन है। तो इसमें क्या है, आपको कोरमा और बिरयानी की पूरी बढ़िया वाली रेसिपी दिखाऊंगा एकदम। और जो पुरानी दिल्ली के जो बावर्ची हैं, जो ये बना रहे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, नंबर नंबर सब दे दूंगा मैं आपको, कभी आपको फंक्शन कराना हो तो आप भी करा सकते हो। बाकी देखो दो देगे पूरी पूरी खीर की बनी है, और खीर पूरी रेडी हो चुकी है। तो जो हकीके का जो फंक्शन हमारा निमटा रहा है ना, माशाल्लाह, हमारे मुस्तकीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और कब से काम कर रहा हो ये भाई? ये हमें हुआ 41 साल। 41 साल होगा माशाल्लाह। माशाल्लाह कौन कौन से फंक्शन अटेंड कर लेते हो? बड़ा भाई सारे कर लेते हैं। क्या क्या बना लेते हो ये बताओ स्पेशल? भाई कोरमा, बिरयानी, स्टू, नहारी, बटर चिकन, हर चीज बना लेते हैं भाई। अच्छा जी, हाँ जी। तो आज क्या क्या है प्रोग्राम में? आज बड़ा भाई कोरमा है बकरे का, मटन का, मुर्गे की बिरयानी है, चिकन की, और खीर है, और नहारी है। सब चीज़ें माशाल्लाह अभी बना रहा हूँ, सब चीज़ें हम बना रहा हूँ भाई। चलिए जी बढ़िया भाई, ये मुस्तकीम भाई हैं, पुरानी दिल्ली के, लाल कुएं पे रहते हैं। बाकी इनका नंबर और एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, किसी को भी राबता करना हो कुछ बनवाने के लिए आप बनवा सकते हैं। जामीन बावर्ची, जामीन बावर्ची है। चलो जी भाई, खालिद भाई आप कोरम बना रहे हैं। खालिद भाई क्या है, घी तेल है? ये घी है। ये जी, चलिए जी, ये कोरमा। और ये कोरम में कितना गोश्त है एक दिन में? एक दिन में 12 किलो। 12 किलो, तो कम से कम कितना घी डलेगा इसमें? 4 किलो। देखो जी, 12 किलो गोश्त के अंदर 4 किलो घी जा रहा है आपके सामने, आप देख लो। और ये बकरे का कोरमा दिखा रहा हूँ आपको बनते हुए पूरी रेसिपी। और बिल्कुल पुरानी दिल्ली के स्टाइल में एकदम कोरमा बनेगा दानेदार, क्यों जी? हाँ जी भाई जान, बिल्कुल दानेदार कोरमा आपको। ये 12-12 किलो गोश्त के अंदर 4-4 किलो चला गया घी। अब दही जा रहा है? हाँ जी, दही जा रहा है। और दही कितना जाएगा जी? ये दही जाएगी 5 किलो। लो जी, 5 किलो दही आएगी कम से कम। ये देखो बहुत बढ़िया जी, ये धनिया भाई। चलो जी, अब आ चुका धनिया। और ये हमने कौन सी कंपनी का ले रखा है? शान दिल्ली। हाँ जी, तो शान दिल्ली का रखा अपना। धनिया जा रहा है कुटा हुआ, पीसा हुआ। कम से कम कितना कितना जाएगा ये? ये 1 किलो धनिया तीनों में पड़ेगा। तीनों में जाएगा, मतलब 1 किलो धनिया का पैकेट है, तीनों बराबर चले जाएगा जी। तकरीबन वही है, 300-300 ग्राम के करीब है बस। ये देखो धनिया चले गया, और ये उससे भी चले गया पूरा पैकेट खत्म। तीनों देखो के अंदर बड़ा मिर्च हो रहा। तो अब आप भी आराम से भाई साहब बिल्कुल शादी वाला कोरमा बना सकते हैं घर में। और मिर्चें कितनी आएंगी जी? मिर्च आधा किलो में तो थोड़ी बची। ठीक है, मतलब आधा किलो का पैकेट तीनों बराबर करना है। हाँ लो जी, आधा किलो का पैकेट तीनों देखो बराबर करना है, थोड़ा सा बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लौंग अच्छी है जी भाई जान, दिखाओ जी। देखो जी, ये आ चुकी है अपनी लौंग एकदम बढ़िया नंबर वाली, और ये इलायची भी देख लो आप। और ये कम से कम कितनी कितनी आएंगी खालिद भाई? ये इतनी इतनी आएंगी भाई। देखो जी, तो भाई इलायची लौंग जा चुकी हैं सबके अंदर,
सारे मसाले एक साथ डल चुके हैं देख लो आप। तो आज मैंने सोचा कि घर का फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, इसमें आपको फुल रेसिपी दिखा दी जाए भाई, कौरमे की भी और बिरयानी की भी। बाकी लौंगे डल चुकी हैं, अब यहाँ पर ये नमक आ चुका है। नमक तो स्वाद अनुसार जाएगा, जायकेदार बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल ठीक लगे जितना आप नमक खाते हो उसके हिसाब से आप डालते रहें। फिर भी यहाँ पे देख लो अंदाजे से नमक जा रहा है, दो मुट्ठी के तकरीबन है। हाँ भाई ये देखो जी, वो मुट्ठी भी देख लो भाई की, ये लबड़े लहसुन लो, अभी लहसुन है तरह, ये लहसुन है देखो जी। अब ये इसके अंदर आ चुका है लहसुन का पेस्ट खाली, और ये भी थोड़ा थोड़ा हिसाब से जा रहा है। ये गया लॉकडाउन, हरी के मसाले लो, आ जाओ जी भाई नहारी। चलो जी, अब ये मैंने कोरमे के मसाले दिखा दिए आपको, अब जा रहा है नहारी का मसाला। नहारी देख लो आप, ये बफ का गोश है जिसको अच्छी तरह धोकर पानी में रख रखा है, और अब इसके अंदर डल चुका है लहसुन खाली, क्योंकि भाई नहारी जो है ना वो बफ की बढ़िया लगती है। देख लो बोंग के पीस भी दिख रहा होगा आपको, सब कुछ दिख रहा होगा। अब ये क्या डल रहा है खालिद भाई? ये सॉल्ट है भाई। अच्छा सॉल्ट डल रही है, लो जी सॉल्ट देख लो। कितने किलो की नहारी है ये? ये 25 किलो की नहारी है भाई, मतलब 25 किलो गोश्त की नहारी है। हाँ तो जी 25 किलो गोश्त की नहारी है, लहसुन जा चुका, सॉल्ट जा चुकी पिसी हुई, और ये क्या जा रहा है? ये सौंफ। अब ये सौंफ का पाउडर जा रहा है। कितने कितने ग्राम है? 100 ग्राम ही है। हाँ भाई, देखो जी 100 ग्राम के पैकेट जा रहे हैं पूरे। सॉल्ट जा चुकी, सौंफ पिसी हुई जा चुकी, लहसुन जा चुका, अभी जा रही है लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 50-70 ग्राम गई है। लो जी, अब क्या आएगा जी खालिद भाई इसमें? इसमें घी आएगा। अब भाई नहारी में आएगा सीधा घी आएगा, ये घी यहाँ पर पहले से गर्म कर रखा है देखो। और कम से कम कितना जाएगा 25 किलो के अंदर? ये जाएगा 7 किलो घी। 7 किलो घी? हाँ जी। देखो जी ये आ चुका घी का पूरा भगोना भरकर, और इस 25 किलो गोश्त के अंदर जाएगा 7 किलो घी। बहुत बढ़िया जी, हो गया जी मसाला पूरा। लबड़ा नमक का है, अब थोड़ा सा इसमें नमक रह चुका है, वो भी नमक आपके अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार। देखो हिसाब देख लो आप, बस ये नमक, ये जो बावर्ची होते हैं ना भाई साहब पुरानी दिल्ली के खास तौर से, सब कुछ हाथ के हिसाब से होता है। आजकल जी भाई सब नपा हुआ होता है हाथ के हिसाब से, बिल्कुल बस सब हाथ का ही है। अच्छा ये बिरयानी कब तक चलेगा? ये बिरयानी अभी चलेगी 5 बजे तक 5-6 बजे तक चलाएंगे। चलो जी ठीक है। खीर जो मैंने आपको दिखाई थी ना, खीर देख लो आप। लो जी भाई अभी खीर बन रही थी, और माशाल्लाह अब देख लो खीर बन चुकी है पूरी, ये देखें आप। और खीर की रंगत देख लो भाई साहब लाजवाब, एकदम मलाई भी जमने लगी है पूरी, बहुत बढ़िया जी। लो जी खीर पूरी प्रॉपर एकदम तैयार हो चुकी है, और ये बड़े से तसले में निकल रही है, जिससे ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए, और इसको हल्की हल्की बर्फ़ में रख दिया जाए। अब ये प्लेट के अंदर क्या है, खीर निकल वाली थी अपने ने, इसके अंदर भाई देखो काजू और खोया डल चुका है, बाकी वहाँ पर दो तसले दिखाए थे मैंने वो भी हो चुके हैं पूरे, और ये देखो पूरी प्रग हो चुकी, ये पूरी खीर आ चुकी है भाई बढ़िया वाली एकदम। ये खीर की रेसिपी तो हमने दिखाई नहीं, लेकिन जायका क्या है वो दिखा देते हैं भाई। बाकी भाई खीर देख लो, क्या क्या मिला हुआ इस खीर के अंदर खालिद भाई? इस खीर के अंदर भाई जान दूध है, चावल है, और चीनी है, और जाफरान है। जाफरान भी है? जाफरान भी, बादाम है, काजू है। अच्छा जी, खोया है इसमें सब है भाई। चलो जी ये देख लो भाई साहब खीर आ चुकी है पूरी, बढ़िया है खालिद भाई, मीठा बिल्कुल एकदम बैलेंस है। बाकी अभी क्या है बर्फ में नहीं गई है, जब जाके इतनी बढ़िया लग रही है, हल्की जो ठंडी आएगी ना खाली भाई है, जब ये और मजा देगी, और मजा दे देगी ये, बहुत बढ़िया। चलो जी बड़े बड़े बावर्ची तो मैंने आपको दिखाया पुरानी दिल्ली के, अब माशाल्लाह देखें बावर्ची कितने बड़े हैं, ये देखें। क्या नाम है भाईजान? मिजान। मिजान नाम है भाई का, और देख लो क्या बन रहा है, कोरमा। कोरमा देखो जी, कोरमा बनाया जा रहा है। उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की उम्र है सिर्फ, और आप देख लो 12 साल के अंदर क्या चीज़ काम हो रहा है, और जब ये बड़े होंगे तो माशाल्लाह किस तरह का खाना बनाएंगे दिखाओ ज़रा, ये देखें ज़रा। ये हमारे मिजान भाई हैं भाई, देखो 12 साल की उम्र के अंदर, तो भाई ये होता है बावर्ची जो हमारे मशहूर है ना पूरे दिल्ली के, ये खून में इनके, तो खाना बढ़िया ही बनेगा इंशाल्लाह।
लो जी आप देख लो गोश्त देख रहे हैं आप, ये नहारी का गोश्त है बॉम्ब, और इसके अंदर क्या है बकरे के पाए गए हैं। चलाओ ज़रा भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पर जो दूसरी खीर की कुटाई वो चल रही है अभी, तो मज़ा आने वाला है एकदम। रेसिपी के साथ पूरा फंक्शन दिखा रहा हूँ, तो मज़ा आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना भाई, और जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ ही नहीं रहे मेरे, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो। बाकी भाई मुगलाई दिखा दिया मैंने आप सबको, कोरमा बिरयानी नहारी सब बनते हुए दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है सीख कबाब का पूरा भाई सब कुछ आ चुका है, ज़रा दिखाऊँ। ये देखो आप, ये बफ का सीख कबाब है, पूरा कीमा रेडी होकर आया है, और ये भट्टी, पूरा सेटअप आ चुका है। लो जी फंक्शन में आ चुका हूँ, सारी जितनी भी तैयारी थी ना सुबह से लेके अभी तक की सब दिखा दी आपको मैंने, मैं भी रेडी होकर आ चुका। अब क्या है जो भी खाने का जायका होगा वो आप तक बताऊँगा, खाने के जो ढक्कन है जो देोगे वो जैसे ही खुलते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी कोरमा नहारी बिरयानी और कबाब सब बन चुका है माशाल्लाह, गेस्ट आने लगे हैं, फंक्शन स्टार्ट होने में मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट है, सब चीज़ तैयारी हो चुकी है। तो बस चलते हैं अब किचन में, देखते हैं क्या क्या तैयार हुआ और क्या क्या रंगत आई है खानों की। चलो जी फंक्शन में दिखा दिया, एंट्री कर चुका हूँ। बाकी अब क्या है खाना जितना बना था जो रेसिपी दिखाई थी, ज़रा वो फाइनल टच देख लें कैसी है, क्या रंगत आई है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। ज़रा सारी देखे देख लो आप, सब कुछ रेडी हो चुका है माशाल्लाह, बस बिरयानी दम पर है। तो नहारी की आपको दिखाता हूँ सूरत, नहारी दिखाएं सर ज़रा। ये देखें जी नहारी के अंदर भाई साहब बकरे के पाए भी डले हुए हैं, नली भी डली हुई है, और नहारी की रंगत देखें बताओ, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया जी, बहुत मज़ा आ रही है माशाल्लाह। ये नली देख रहे हैं आप, ये देखें आप। तो अब ज़रा कोरमा दिखाइए, और ये देख लो कोरमे के ढक्कन हट चुका है, और दानेदार कोरमा देख लो आप, ये देख रहे हैं आप, ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। कोरमे की एक और देख दिखा दूं आपको, देखो नली वाले पीस भी इसमें पड़े हुए हैं, ये देखें बहुत बढ़िया जी, लाजवाब, बढ़िया जी बढ़िया। बाकी बिरयानी क्या है दम पर है, जैसे पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर उसका नज़ारा दिखाता हूँ आपको। लो जी भाई अब माशाल्लाह बिरयानी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, दिखाएं ज़रा, ये चार देखे बिरयानी की है, और ये देखो बिल्कुल अभी देखो देसी घी डल रहा है इस पर। लो जी बिरयानी के ऊपर देख लो, ये देसी घी आ चुका है, ये डलेगा जी इस पर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देख लो आपको ज़रा बिरयानी दिखाता हूँ पूरी, ये देखें बहुत बढ़िया जी, क्योंकि बिरयानी क्या है पूरी तरह खोल नहीं सकते, तो इसलिए जो दिखाई आपको दिखाई, बिल्कुल खिले खिले चावल देख लो आप, ला जाओ आप, ये बहुत बढ़िया जी। चलो जी ये हमारे भाई दूल्हा भाई हैं काशिप भाई, और ये देखो खीर दिखा रहा है भाई साहब, नज़ारा देख लो खीर का, मज़ेदार हो रही है बिल्कुल। काशिप भाई चला के तो दिखाओ जरा हल्की सी उठाकर, ये देखें जी भाई बहुत मज़ेदार। और अब ये लास्ट वन देख लो, दही बड़े मैंने बलते हुए दिखाए थे ना आपको, अब ये पूरे रेडी हो चुके हैं, और इसके ऊपर भाई अब दही जा रहा है देखो, ये देखो आप, और यहाँ पर भाई ये सोट देख लो, अंगूर आलू सब बढ़िया वाली एकदम। और ये पुरानी दिल्ली के उस्ताद हैं हमारे कबाबों के, क्या नाम है जी, मोहम्मद शफीक, और ये कबाब देख लो आप, ये तो उड़ाएं, हाथ तो उड़ाएं, हाथ में उड़ा लो। चलो जी भाई कबाब भी देखो स्टार्टर पर पूरा रेडी हो चुका है, लग चुके हैं भट्टी के ऊपर, और यहाँ आप देख लो
और ये पूरे भाई बढ़िया करके रेडी हो चुके हैं। देखो दिखाऊं जरा मैं आपको एक, ये देखें जी बहुत लाजवाब। ये हमारे फराज भाई चखेंगे। हाँ जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम। तो जी कैसे हैं? देखो जी इनका अकीका है रे भाई हमारे, दिख रहा है इधर देखो जी, ये देखो जी तैयार देख लें आप पूरा मछल्ले इनको, ये देखें और ये देखो ये दोनों बच्चों का अकीका है। देखो ये देखो ये देखो जी इन दोनों बच्चों का अकीका है यहाँ पर माशाल्लाह। कबाब चख लेते हैं भाई, देखो चखने के बहाने बढ़िया भाई। बिरयानी खिलवा के आऊंगी भाई को, बेहतरीन एकदम भाई। चटनी भी रखो ना। ये देखो जी डिशें लग चुकी हैं सारी सालनों की, और जितने भी देख रहे हैं इनको वीडियो में दिखाता रहूंगा, कौन काम चोरी करेगा दिखाता रहूंगा मैं, सब दिखाऊंगा यहाँ पर। और सब यहाँ पर माशाल्लाह सब कुछ हो चुका है और देखे आ चुकी हैं माशाल्लाह, बैठ चुके हैं सब। लो जी बिरयानी को अब देख लो बाहर से आप, चलो बिल्कुल बढ़िया करके प्लेट ज़्यादा बड़ी नहीं ले ली, नहीं सही है सही है। आप दिखाओ ज़रा बोटियाँ बढ़िया सी, उठाओ बराबर उठाओ वहाँ से, उठाओ जी उठाओ ट्रे उठाओ। ये देखो जी ये चिकन बिरयानी है, हाय 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 जवाब ही नहीं भाई, बहुत बढ़िया। आज इधर तो देख लो ज़रा, और ये हमारे बैठे हुए यहाँ पे चाचा, ये दे बैठे हुए और ये निकल रही है नहारी भाई, ये देखें आप। बहुत बढ़िया है। लो जी अब निकल रहा है यहाँ पर बकरे का कोरमा, ये देख लें आप एक कोरमा देख लें आप, चापे देखें माशाल्लाह। अरे चाचा है हमारे देख लो ये निकाल रहा है, ये देखें जी और यहाँ पर अब भाई ये खमीर रोटी आ चुके हैं हमारे, देख रहे हो ये आसान भाई को हमारे, सही से काटो जरा सही से, कभी हाथ कटिया है। ये देखो जी एक बटा दो हो रही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी कितनी देर में कट जाएंगी? 5 मिनट में, सही है जी सही है। रोटी नहीं कटी भाई सही से, तो भाई सारा माहौल क्या है पूरा आप समझ लो, तैयार हो चुका है बिल्कुल बढ़िया वाला, खाना खुलने वाला है, सब कुछ दिखा चुका मैंने आपको। और ये देखो हमारे माशाल्लाह ये सारे भाई खड़े हुए हमारे, ये हमारे यासर भाई, ये नुमान भाई। हाँ जी इधर देखो क्या खा रहा हो, कबाब। चलो जी खाने के लिए बोल दिया है, खुल चुका है अब सब माशाल्लाह खड़े हो चुके हैं और अब सब जा रहे हैं। देखो ¡Gracias!
किसी को भी ले लिया ना तुम्हारे। जिम वालों को दिखाऊंगा यार क्या। भाई खाना खुल चुका है सब, माशाल्लाह खाना बढ़िया करके आराम से, बिल्कुल सुकून वाला फंक्शन है। हमारे नवाब चाचा कबाब की लाइन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे चाचा जाकिर है। तो भाई अपने को काम मिल चुका है इस टाइम रोटी काटने का भाई सलमान के साथ। और ये रोटी भाई देख लो, दाल रोटी चाहिए एक मिनट, दाल रोटी है दो भाई जरा काट के। तो जी भाई सलमान देख लो रोटी काट रहा है, मेरा काम था ये। भाई घर का फंक्शन है, सारे काम करने पड़ते हैं। चलो जी भाई अपने लिए खाना ले लिया है, काम करते करते ये नहारी आ चुकी है। नहारी में बकरे के पाए देख लो भाई साहब आप, ये नलिया देख लो, ये कबाब आ चुके और ये चिकन बिरयानी आ चुकी है, बाकी कोरमा भी थोड़ी देर में आ रहा है एकदम ताज़ा ताज़ा। बाकी देखो सलमान भाई, राशिद भाई, मुस्तकीम, फैसल सब आए हैं माशाल्लाह, फराज भी आया हुआ है, ये देखें हमारी, देखो भतीजी भी आई हुई है। बाकी यहाँ पर आप देख लो माशाल्लाह लेग पीस खाओ सलमान भाई, खाओ मज़ेदार है भाई एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया मजेदार। सलमान पानी तो कबाब देख रहे हो आप, कबाब थोड़े से क्या है, कबाब वाले ने ना पूरे अच्छी तरह सेके नहीं, बस जल्दी जल्दी का माहौल था, लेकिन बढ़िया कबाब है। ये नहारी है भाई बिल्कुल, और ये नलियां हैं ये देखो आप, और ये देखो बकरे के पाए डले हुए इसके अंदर, देख रहे हैं आप। तो भाई एक नहारी का जरा बढ़िया से लेकर निवाला, मजेदार भाई मजेदार। और ये देखो सारे बच्चे आ चुके हैं माशाल्लाह, ये सब भतीजे हैं हमारी, ये सब देख लो। हसीन भाई को भाई दी थी दावत, लेकिन हसीन भाई गए किसी और दावत में थे। और ये गोश्त देख रहे हैं आप, ये देखो अदले का गोश्त देखो आप, ये लाजवाब है भाई एकदम। बकरे का पाया, मजेदार भाई। तो भाई पसीने देख रहे हैं आप कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अब देखो बकरे लेकर आ गया मैं भाई, सुबह ही कटवाए थे चार बकरे, और ये बकरे का और चाप देख लो आप, ये देखो कितनी बड़ी चाप है। तो बकरा भी तकरीबन समझ लो 20 से 25 किलो का बकरा था, लाजवाब है भाई लाजवाब। ये देखो जी ये निकली नली, तो बकरे की नली का तो भाई साहब मजा ही अलग है बिल्कुल, आप जानते ही हैं। और ये नली ली भाई, असल में घर का फंक्शन है ना, तो कोई सी भी चीज़ लेकर आ जाओ, कभी भी लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है भाई। ये देख रहा हूँ फैट वाला वो चाप का,
मजेदार है भाई, बिल्कुल मजेदार। चलिए जी अब फंक्शन देख लो, जो हकीकत था वो हमारे देखो छोटा भतीजा देखो हेरा ईसा, ईसा इनका था भाई, इनको भी दुआएं थे बहुत सारी। और दूसरा इनका मूसा का, ये देखो। और ये हमारे एक और राजन देखे, ये आरिफ भाई। तो भाई ये सारे यहाँ पर थे, इनके लिए पूरा फंक्शन रखा गया था दोनों के लिए, ईसा और मूसा के लिए। और ये असीम भाई हैं जो इनके फादर हैं। और ये हमारे बहनोई साहब काशिफ भाई, और ये हमारे दोस्त सलमान। और ये देख लो, देख लो उसको। और भाई ये देख लो, ये दोनों हमारे भतीजों के बड़े ताया हैं। इनके नाम है पहीम भाई। चलिए आपको ये फंक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और अच्छे लागे के साथ। अल्लाह हाफिज़।